ठीक है, आपकी वीडियो लिंक भी रेडी हो गई है, आप लोग आराम से वीडियो भी बाद में देख पाएंगे। प्रियापाल, डेफिनेशन ऑफ हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस इज डिफाइंड एज फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेलुलर कंपोनेंट्स तो हेमेटोपोइसिस क्या है? फॉर्मेशन है, डेवलपमेंट है किसका? वेरियस आपका सेलुलर ब्लड कॉम्पोजिशन का। अब वेरियस सेलुलर ब्लड कॉम्पोजिशन क्या क्या है आपके? तो ब्लड के अंदर हमारा क्या था? ब्लड जब हम पढ़ रहे थे तो ब्लड के अंदर हमारे दो पार्ट थे, एक था सेल और दूसरा था प्लाज्मा। बहुत सारी चीजें साथ में इसकी रिवाइज होंगी तो ध्यान देते रहना है आपको बोर्ड पे और सुनना है मुझे ठीक से। तो सेल में हमारा क्या पार्ट था? आगे तीन पार्ट डिवाइड हो रहा था जिसमें था आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ठीक है, ये तो मेजर मेजर सेल्स थे। अब ये जब बनते हैं, आरबीसी बन रहा है, डब्ल्यूबीसी बन रहा है, प्लेटलेट बन रहा है, डब्ल्यूबीसी में आगे फर्दर पांच बन रहे हैं, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, स्नोफिल, मोनोसाइट और बेसोफिल। और ये जो सेल्स बन रहे हैं इनकी एक स्टेज है, इनका एक टाइम पीरियड है, एक टाइम लैप है। उस टाइम लैप को हमने टर्मिनोलॉजी में बोला था लाइन एज। लाइन एज आरबीसी का कुछ लाइन एज था, WBC का कुछ लाइनेज था, प्लेटलेट का कुछ लाइनेज था, ऐसे ही प्लाज्मा सेल का भी एक लाइनेज बन रहा था। ठीक है, लास्ट में हमारा जब हम हेमेटोपोइसिस पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि एक जगह प्लाज्मा सेल भी आ रहा था, एक जगह हमारा प्लेटलेट आ रहा था बनके, एक जगह WBC में न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इसनोफिल, मोनोसाइट और बेसोफिल आ रहा था, और एक में आरबीसी आ रहा था। आरबीसी के साथ में दो पार्ट हमारे आ रहे थे, एक न्यूक्लेटेड एंड एक नॉन न्यूक्लेटेड, यानी जिसको हम रेटिकुलोसाइट भी बोल रहे थे और इरिथ्रोसाइट भी बोल रहे थे। ठीक है, एक हमारा रेटिकुलोसाइट बन रहा था और एक हमारा इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी बन रहा था। रेटिकुलोसाइट क्या है? आरबीसी की एक फर्स्ट, उससे पहले की स्टेज है, आरबीसी बनने से एक स्टेप पहले की स्टेज है। ठीक, तो हमारा हेमेटोपोइसिस क्या था? ये है फॉर्मेशन है, डेवलपमेंट है किसका? वेरियस सेलुलर कॉम्पोनेंट का। सेलुलर कॉम्पोनेंट आपको पता लग गया कि ब्लड में कौन कौन से मेजर सेलुलर कॉम्पोनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन निधि, आप बताओ व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग या फिर हेमेटोपोइसिस ग्रोथ फैक्टर, कौन कौन से हेमेटोपोइसिस ग्रोथ फैक्टर हैं जो आपने पढ़ा था हेमेटोपोइसिस के अंदर? हेमेटोपोइसिस का ग्रोथ फैक्टर बताना है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अगर वो प्रॉपरली ना हो, जिससे आपका हेमेटोपोइसिस जो प्रोसीजर, ये जो डेवलपमेंट है, ये नहीं हो पाता है जिसकी वजह से। रिप्रोडक्शन ऑफ कंबाइंड स्टेम सेल, ठीक है, पहला हो गया। ठीक है, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, गुड। दूसरा हो गया ठीक है। अब इसी के अंदर CSF के अंदर ही आपके तीन थे, कौन सा था? एक तो था GCSF, एक था GCSF, एक था MCSF और एक था GMCSF। ये तीन फैक्टर थे। CSF क्या था? सेलुलर स्टिमुलेटिंग, सॉरी कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। अब G क्या था? तो ग्रेन्युलो क्या था? ग्रेन्युलोसाइट था, ये क्या था बोलो? What is G here? The granulocyte, cellular stimulating factor, और M क्या था? Macrophage, colony stimulating factor. और GM क्या होगा? ग्रेन्युलोसाइट, मैक्रोफेज, सेलुलर स्टिमुलेटिंग फैक्टर। ये तीन स्टिमुलेटिंग फैक्टर बहुत ज्यादा मेजर इंपॉर्टेंट रोल है भाई आपका जो हेमेटोपोइसिस का जो ग्रोथ फैक्टर है उसके अंदर। ये तीन मेजर CSFP, ये तीन मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमने ये पढ़ा था। अब आ जाते हैं उसके बाद कि भाई हमारे को ये समझ में आ गया कि इसमें हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, ये भी समझ में आ गया कि भाई फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं।
अब कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, तो अंजलि राजपूत, कौन कौन से मेजर मेजर कंपोनेंट्स हैं जो हमारी बॉडी में सेल ग्रोथ में हेल्प करते हैं, जो हम बाहर से लेते हैं, हमारी बॉडी नहीं बनाती, हम बाहर से इंटेक करते हैं कि सेलुलर ग्रोथ हो, तो सबसे पहले कौन सा फैक्टर आता है? फूड। तो एयर से सबसे पहले आता है ऑक्सीजन, ठीक है। खाने से क्या क्या मिल रहा है आपको? आयरन मिल रहा है, विटामिन मिल रहा है, और क्या मिल रहा है? सॉरी, कोबाल्ट। आपको फूड, कौन से फूड से कोबाल्ट मिलता है? विच फूड प्रोवाइड्स यू कोबाल्ट? कौन सा ऐसा फूड है जो आपको कोबाल्ट देता है? कोबाल्ट एक केमिकल है जो बॉडी में आपको केमिकल रिएक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। ये अर्थ क्रस्ट से मिलता है। हम अभी फूड और मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो हमारे सेलुलर ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए होता है? भाई, हमें कार्बन की चेन चाहिए होती है, हमें प्रोटीन की चेन चाहिए लिपिड, होती है, ठीक है। और क्या होता है हमारा? लिपिड की हमें कुछ लिपिड चेन चाहिए होती है, ठीक है। ये तीन चेन जो है स्टार्टिंग में, जो कार्बन, प्रोटीन, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन्स वगैरह, लिपिड्स वगैरह जो पढ़ाए गए थे फर्स्ट ईयर में, उसकी चेन फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये अल्फा, आइदर अल्फा फॉर्मेशन में होगी, या बीटा फॉर्मेशन में होगी, या गामा फॉर्मेशन में होगी, ठीक है। ये तीन फॉर्मेशन होती है चेन की। ये हमें चेन्स चाहिए होती है। ये चेन किस लिए चाहिए होती है? तो ये कैरी करती है क्या? न्यूट्रिशन, विटामिन और अदर नेसेसरी सब्सटेंस, ठीक। तो क्या होता है, ये सारी चीजें हमें मिलती है। और क्या क्या चीजें हैं जो इफेक्ट करती हैं? और भी कोई चीज है? भाई, ये तो हमें मिल रहा है बाहर से, ठीक है। ये तो फूड हो गया जो बाहर से मिल रहा है। हमारी बॉडी क्या सीक्रेट करती है? हार्मोन। ये भी एक फैक्टर है भाई। अगर हार्मोन प्रॉपरली सिक्रेट नहीं होगा तो भी क्या होगा? हमारा हिमेटोपोइसिस जो है, फॉर्मेशन ऑफ सेल है, सेलुलर कंपोनेंट्स है, वो क्या होगा? वो प्रॉपरली नहीं होगा। क्लियर है? हेडफोन आपका थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, हेडफोन निकाल दिया करो, वॉइस में थोड़ा क्लियर हो जाता है। प्रिया, हमने एयर से मिलने वाली चीज जान ली, हमने फूड से मिलने वाली चीज जान ली, हमारी बॉडी जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं हमने उससे पता लगा लिया। और क्या एक कोई तीसरी चीज है जो हिमेटोपोइसिस में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी? कोई ऐसी एक और चीज जो हिमेटोपोइसिस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी? बेटा, हीमोग्लोबिन तो आपका एयर वाले पार्ट में या फूड वाले पार्ट में, तो वो तो ब्लड ही हो गया ना। हम बात ही हिमेटोपोइसिस यानी यहाँ ब्लड की कर रहे हैं। वो तो कंपोनेंट ऑफ ब्लड में, कोई भी कंपोनेंट है वो तो सारे इफेक्ट करेंगे। अब हीमोग्लोबिन कब कम होगा? जब आरबीसी की फॉर्मेशन ठीक से नहीं होगी। और हम वही जाने कि क्या कंडीशंस है जब हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट नहीं बन पाएगा, हिमेटोपोइसिस। यही तो हम पढ़ रहे हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जब हमारा हिमेटोपोइसिस का जो फंक्शन है वो स्लो हो जाता है, या खराब हो जाता है, या बेकार हो जाता है। वही चीज तो पढ़ रहे हैं हम हिमेटोपोइसिस के अंदर। तो हीमोग्लोबिन तो ये पार्ट नहीं आ पाएगा। दिमाग लगाओ और सोचो, एक सेकंड के लिए अपने दिमाग को लेके जाओ, फॉर्मेशन ऑफ हिमेटोपोइसिस कहाँ से शुरू होता है? तो सबसे पहले हमें यॉर्क सैक के बारे में पढ़ना होता है। यॉर्क सैक क्या था?
फर्स्ट प्रेगनेंसी स्टेज था, ठीक है। उसके बाद कहां जा रहा था, लिवर और स्प्लिन में, ठीक है। तो भाई हमारा ऑक्सीजन एक इफेक्ट डाल सकता है, हमारा खाना पीना हमारे उस पर इफेक्ट डाल सकता है, हमारे हार्मोन सिक्रीशन हिमेटोपोएसिस पे इफेक्ट डाल सकते हैं, और हमारे बॉडी का लीवर और स्प्लिन अगर ठीक नहीं होगा, यानी बॉडी ऑर्गन्स स्पेशली लीवर एंड स्प्लिन अगर ये ठीक नहीं हुआ प्राइमरी स्टेज पे, तो भी हमारा हिमेटोपोएसिस क्या है वो प्रॉपर तरीके से नहीं फॉलो अप हो पाएगा, नहीं प्रोसेस कर पाएगा, ठीक है। और एक क्या चीज है, यॉर्क सैक। अब यॉर्क सैक क्या था कि भाई फीमेल का एग और मेल का स्पर्म, हाँ नाजिम हेलो गुड मॉर्निंग, बताओ। मैं भी क्लास ले रहा था अभी, नहीं तो ऑनलाइन सुनते रहो चीजों को, ठीक है। हाँ मैं, ओहो सही स्टैंड पे भी खड़े हो कि नहीं खड़े हो, अरे नहीं तो बस स्टैंड भी प्रॉपर है या नहीं है, वो बस नंबर देखो स्टैंड पे लिखा होगा कि वो बस प्रॉपर जाती है कि नहीं जाती है। चलो ठीक, तो हो सकता है आ जाएगी थोड़ी देर में, आ जाएगी, मैं भी ऑनलाइन क्लास पे हूँ तो मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ, ठीक है। हाँ वो सीट वीट का होगा, देखो देखो कोशिश करो ट्राई करो, ठीक है ठीक है, ओके ओके करता हूँ मैं कॉल कर करता हूँ। सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो इसमें क्या था आपका, यॉर्क सैक बनने के लिए क्या चाहिए था, तो यॉर्क सैक बनने के लिए हमें एक हेल्दी एग चाहिए और एक हेल्दी स्पर्म चाहिए। यानी अब एग और स्पर्म क्या है, बेसिकली क्रोमोसोम की बात कर रही करी जा रही है यहाँ पे, एक्स एक्स और वाई वाई, जीन जेनेटिक्स, ठीक है। ये सारी चीजें भी आप पढ़ोगे, ये आने वाले टाइम में पढ़ोगे, बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूं आपको कि आप ये समझ पाओ कि हिमेटोपोइसिस जो है वो कहां कहां इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है। तो एक ओवरव्यू आपने ये समझ लिया हिमेटोपोइसिस का इफेक्ट क्या क्या रहा है। अब इसमें और क्या आगे आपको पढ़ना था, तो इसमें आगे आपको पढ़ना था कि भाई हर एक फॉर्मेशन को, चाहे वो डब्ल्यूबीसी की हो रही हो, चाहे वो आरबीसी की हो रही हो, चाहे वो प्लेटलेट की हो रही हो, चाहे वो प्लाज्मा की हो रही हो, तो उसको हम कैसे बताएंगे, कैसे समझाएंगे, कैसे लिखेंगे, क्या वर्ड यूज करेंगे, क्या टर्मिनोलॉजी हम उसके लिए यूज करेंगे। तो सबसे पहले प्रिया आप बताएंगे आप मुझे, आरबीसी यानी आपका रेड ब्लड सेल, जिसको हम इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज है, चाहे मैं इरिथ्रोसाइट बोलूं या रेड ब्लड सेल बोलूं, इसके फॉर्मेशन को, इसकी डेवलपमेंट को हम किस टर्म से यूज करते हैं। आरबीसी की अगर मैं फॉर्मेशन या डेवलपमेंट की बात करूं तो क्या टर्मिनोलॉजी यहां यूज करूंगा। प्रियापाल यस सर, क्या बोलूंगा मैं इसको, इसकी फॉर्मेशन या स्टेम से इसकी डेवलपमेंट को, फॉर्मेशन और डेवलपमेंट को, आरबीसी की फॉर्मेशन और डेवलपमेंट को किस टर्म से डिनोट करूंगा मैं, इरिथ्रोपोएसिस। देखो वर्ड का ही खेल है, आपको वर्ड समझना है, ठीक है। तो इरिथ्रोपोएसिस से हम किसकी, किसकी आरबीसी की डेवलपमेंट और फॉर्मेशन की बात करते हैं, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अंजलि आप बताइए बेटा, जब आरबीसी की फॉर्मेशन स्टार्टिंग से शुरू होती है, बिल्कुल डे फर्स्ट से ही बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, यानी पहला स्टेज ब्लड सेल का, यानी हेमाटोपोइसिस प्लस इरिथ्रोपोइसिस। देखो आज आपका तीनों पार्ट खत्म हो जाएगा, इरिथ्रोपोइसिस कैसे होता है, ल्यूकोपोइसिस कैसे होता है और थ्रोम्बोपोइसिस कैसे होता है, ये तीनों पार्ट खत्म हो जाएगा और बहुत सरलता से खत्म होगा, बस ध्यान देना है। तो इरिथ्रोपोइसिस का चार्ट जो हम बनाएंगे, सेल चार्ट, ठीक है, सेल चार्ट जो बनेगा हिमेटोपोइसिस प्लस इरिथ्रोपोइसिस का कैसे बनेगा, तो सबसे सबसे पहला क्या आएगा, हीमो
साइटो ब्लास्ट, ठीक है। इसको स्टेम सेल बोलने से पहले ये याद रखना, यहां बोलोगे प्रो हीमो स्टेम सेल, ठीक है। देखो दो तरीका होता है प्रो का, देखो अगर किसी भी वर्ड के आगे प्रो लगाया, जैसे हमने बोला हीमो साइटो ब्लास्ट बोला, तो ये तीन वर्ड है हीमो साइटो ब्लास्ट। साइटो का मतलब हो गया सेल, जैसे इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, लिम्फोस आपका ये थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। तो ये सेल को डिनोट कर रहा है वर्ड, जो साइटो है वो सेल को डिनोट कर रहा है। ब्लास्ट का मतलब ये डिनोट कर रहा है सेल को, ठीक है। ब्लास्ट का क्या मतलब है कि बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर, वो बहुत सारे प्रकार के सेल बना सकता है अभी, तो ये मल्टीपल फंक्शन को डिनोट कर रहा है। यानी ब्लास्ट क्या है, बहुत सारे फंक्शनिंग है उसके अंदर, तो मल्टीपल फंक्शन को डिनोट कर रहा है। अब आ जाओ हीमो, हीमो से रिलेटेड है आपका ब्लड, क्लियर हो गया, ठीक है। हीमोसाइटोब्लास्ट वर्ड रिलेट हो गया, हीमो मतलब हो गया आपका ब्लड, साइटो मतलब हो गया सेल, ब्लास्ट मतलब हो गया मल्टीपल फंक्शन वाला सेल। यानी हीमोसाइटोब्लास्ट ये वो सेल है जिसके अंदर ये काबिलियत है कि वो बहुत सारे सेल को डेवलप कर सकता है, उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो बहुत सारी चीजों में जा सकता है। जैसे इसको ऐसे समझ लो कि जब हम छोटे होते हैं, स्कूल में होते हैं, तो हम क्या होते हैं, 10वीं तक हम सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 12वीं में आने के बाद हमें हम सारे सब्जेक्ट में जा सकते हैं, हम 10वीं में एलिजिबल हो जाते हैं कि हम साइंस साइड भी जा सकते हैं, बायो भी पढ़ सकते हैं, फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं, मैथ्स भी पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, और कॉमर्स में आपके बिजनेस भी पढ़ सकते हैं। मतलब एक ओवरऑल वो एबिलिटी होती है हमारे अंदर कि हम सारे फील्ड में जा सकते हैं, फिर हम धीरे धीरे अपने आप को एक स्पेसिफिक फील्ड में डालते हैं। वैसे ही सेल का काम होता है, पहले वो सभी फील्ड सारी सेल बना सकता है, फिर अलग 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 लास्ट में आके एक पर्टिकुलर सेल बन जाता है, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं हीमो हिमेटोपोएसिस प्लस इरिथ्रोपोएसिस का एक कॉम्बिनेशन सेल चार्ट का, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, हीमोसाइटोब्लास्ट, और अगर हम इसे स्टेम सेल में डिफाइन करना चाहें तो स्टेम सेल में हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, स्टेम सेल में हम डिफाइन करेंगे प्रो, जिस वर्ड के आगे प्रो लग जाए इसका इसका मतलब है वो प्राइमरी स्टेज पे है, प्रो हिमेटो ब्लास्ट स्टेम सेल, ठीक है, या प्रो हिमेटो स्टेम सेल। स्टेम सेल खाली बोलोगे तो ये डिफाइंड नहीं होगा कि वो कौन सी स्टेज का है, क्योंकि स्टेम सेल थर्ड स्टेज के बाद तीन बार की स्टेज में वो स्टेम सेल ही चल रहा होता है, ठीक है। तो स्टेम सेल की भी बहुत सारी स्टेज होती है, तो प्रो स्टेज है हीमोसाइटोब्लास्ट, क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, तो भाई आगे बताओ, ये तो इतना तो क्लियर हो गया, तो छोटा सा चार्ट हम खाली बनाते हुए चलेंगे। सर इसके बाद आएगा कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर सर। कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर स्टेम सेल बोल दो या कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर बोल दो, माइलॉइड स्टेम सेल बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर हमने यहाँ पे बोल दिया। अब कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर आगे क्या करता है, सर इसके बाद आएगा प्रो इरेथ्रोब्लास्ट। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, अब देखो इसमें भी तीन वर्ड बन रहे हैं, प्रो इरिथ्रो और ब्लास्ट। ब्लास्ट का मतलब मल्टीपल फंक्शन, सेम चीज हो गई भाई। इसमें क्या है, इस सेल में एबिलिटी है कि ये रेटिकुलोसाइट सेल भी बनाएगा और इरिथ्रोसाइट सेल भी बनाएगा, क्लियर हो गया, ठीक है। तो प्रो इरिथ्रो ब्लास्ट हो गया, अब उसके बाद क्या बनेगा, इरिथ्रो ब्लास्ट बनेगा, यानी इसकी सेकेंड स्टेज पे चला जाएगा। प्रो हट गया, प्राइमरी स्टेज हट गई, अब सिर्फ ये दो ही सेल बनाने के एबिलिटी में है। अभी तक इसके अंदर और भी कुछ बनने की एबिलिटी थी या कुछ फंक्शनिंग की एबिलिटी थी, अब वो सिर्फ इरिथ्रोब्लास्ट में चला गया, यानी और एक स्टेप नीचे आ गया। आगे क्या होगा, फिर आएगा नॉर्मोब्लास्ट। नॉर्मोब्लास्ट मतलब उसकी शेप साइज डिफाइंड हो गई, ठीक है, जो शेप साइज है वो डिफाइंड हो गई कि जी कैसा बनेगा, तो बाय कॉनकेव बनेगा, ठीक है। नॉर्मोब्लास्ट में क्या चला गया कि उसकी शेप साइज डिफाइंड हो गई कि जी आरबीसी का साइज कैसा होता है, तो बाय कॉनकेव होता है जी, और रेटिकुलो का क्या होता है, वो भी बाय कॉनकेव होता है, बस साइज में डिफरेंट होता है, रेटिक का साइज बड़ा होता है और आरबीसी का साइज थोड़ा छोटा रहेगा, और मैच्योर आरबीसी जो है उसके अंदर से न्यूक्लियस हट जाएगा। तो ये क्या है, एक और स्टेज नीचे आ गया जिसे हम नॉर्मोब्लास्ट बोलेंगे। उसके बाद कहां जाएगा सेल,
फिर आएगा रेटिकुलोसाइट, गुड, रेटिकुलोसाइट। अब रेटिकुलोसाइट का क्या मतलब है? वो आरबीसी जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्या? वो आरबीसी जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। रेटिकुलोसाइट के बाद क्या बनेगा? इरिथ्रोसाइट। यानी हमारा क्या हुआ? आरबीसी बन गया। तो इरिथ्रोपोइसिस में जो हमारे स्टेप फॉलो हुए, एक बार सुनो ध्यान से, सबसे पहले बना हीमोसाइटोब्लास्ट, उसके बाद बना कॉमन मायलोइड प्रोजेनिटर, उसके बाद बना प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, उसके बाद बना इरिथ्रोब्लास्ट, फिर क्या बना? नॉर्मोब्लास्ट, फिर क्या बना? रेटिकुलोसाइट, फिर क्या बना? इरिथ्रोसाइट। कितने स्टेप हो गए? तो हीमोसाइटोब्लास्ट सबसे पहला स्टेज, फिर कॉमन माइलोइड प्रोजेनिटर दूसरा स्टेज, फिर प्रो इरिथ्रोब्लास्ट तीसरा स्टेज, फिर इरिथ्रोब्लास्ट चौथा स्टेज, फिर नॉर्मोब्लास्ट पांचवा स्टेज, फिर आपका रेटिकुलोसाइट छठा स्टेज, और फिर इरिथ्रोसाइट सेवंथ स्टेज। यानी सेवंथ स्टेज पे आके आपको क्या मिल रहा है? आरबीसी इरिथ्रोसाइट आपको मिल रहा है। क्लियर है? अब ये तो हो गया जी कि हमने सेल चार्ट जान लिया। देखो ये मैं क्यों बता रहा हूं, आपसे क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द टर्म, या क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, डिफाइंड इरिथ्रोइड लाइनेज, डिफाइंड इरिथ्रोइड लाइनेज। तो इरिथ्रोइड लाइनेज जब आपको डिफाइन करना होगा तो आपको हिमेटोपोइसिस से लेके इरिथ्रोपोइसिस जब तक सेल नहीं मिल जाता सेवंथ स्टेज पे जाके, तब तक की आपको सारी चीजें वर्ड टू वर्ड बतानी होगी। और अगर आपको चार्ट याद हो गया एक बार तो आप अपने टिप्स पे बता पाओगे कि जी हमें आरबीसी कब मिलता है, उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं। ठीक है, तो हम इस टाइम पीरियड को, यानी आपके आरबीसी के बनने और डेवलपमेंट होने के टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? इरिथ्रोइड लाइनेज। क्या बोलेंगे? प्रोनाउंस करो एक बार, इरिथ्रोइड लाइनेज। गुड, हाँ जी आसिफ अली, अब आप बताएंगे मुझे आरबीसी का सबको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है तो अभी मुझे पूछ ले, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। हाँ भाई प्रिया, आरबीसी का फॉर्मेशन वगैरह सब समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, इधर निधि आपको समझ में आया? यस सर। विनीत आपको समझ में आया? देख रहा सर, समझ में तो नहीं आया सर। देख रहे हैं समझ में नहीं आया है, क्या समझ में नहीं आया पहले ये बताएं। सर हम बीच में स्टार्ट की सर क्लास सर। कोई बात नहीं, आपने वो चार्ट पढ़ा? देख रहा था, चार्ट भी देखा सर। चार्ट भी देखा, वो समझ में आया कुछ चार्ट? आ तो रहा है सर, इतनी जल्दी नहीं आ रहा सर। कोई बात नहीं, थोड़ा और प्रैक्टिस करो आ जाएगा। एक शॉर्ट में आपको इंडिविजुअली मैं कॉल करके समझा दूंगा। ठीक है, अभी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, वरना क्लास बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं इंडिविजुअली अभी आपको समझाने लगूंगा। अभी आप क्लास पे ध्यान दें और समझने की कोशिश करें। अगर बिल्कुल भी जीरो हो जाए ना समझने पे लेवल, तो मुझे रोक नहीं, तो मैं आपको इंडिविजुअली उसी टाइम पे आपको कुछ चीजें बेसिक क्लियर करूंगा, जिससे आपका क्लास का टाइम जो है वो वेस्ट ना लगे आपको कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी इतना जान लें कि हम बात कर रहे हैं ब्लड सेल के बारे में, कि ब्लड सेल हमारी बॉडी में कैसे डेवलप होता है, कैसे बनता है, और हम उसके फॉर्मेशन को उसको समझाने के लिए, उसको बताने के लिए क्या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कौन सी जगह पे क्या शब्द बोले जाते हैं, उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, अभी हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक बना था आरबीसी, आरबीसी क्या है, जिसको हम रेड ब्लड सेल के नाम से भी जानते हैं, रेड ब्लड कार्पोसेल के नाम से भी जानते हैं, इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसकी जो प्राइमरी स्टेज, जो इसकी डेवलपमेंट और फॉर्मेशन है, अगर उसके बारे में हमें बात करनी हो तो हम बात करते हैं इरिथ्रोपोइसिस के अंदर, यानी इरिथ्रोपोइसिस जहां वर्ड इस्तेमाल हुआ इसका मतलब उसके फॉर्मेशन और डेवलपमेंट की बात की जा रही है। किसकी? तो आरबीसी की, यानी इरिथ्रोसाइट और रेड ब्लड सेल की, ये एक ही चीज है। ठीक है, और अगर हम बात करें भाई इसके सेल चार्ट की, ये कैसे कैसे हमें कब आके इरिथ्रोसाइट मिलता है, तो सातवें स्टेज पे आके हमें क्या मिलता है? आरबीसी मिलता है। तो कैसे कैसे मिलेगा, तो सबसे पहले हमें बताया था अंजलि ने, तो उन्होंने बताया कि भाई क्या था, हीमोसाइटोब्लास्ट सबसे पहला स्टेज था सेल का, फिर कॉमन मायलोइड प्रोजेनिटर दूसरा स्टेज था, फिर प्रो इरिथ्रोब्लास्ट तीसरा स्टेज था, फिर इरिथ्रोब्लास्ट चौथा स्टेज था, फिर नॉर्मोब्लास्ट पांचवा स्टेज था, फिर
रेटिकुलोसाइट छठा स्टेज था और सातवें स्टेज पे आके हमें इरिथ्रोसाइट मिल गया था, ठीक है। और इस लाइनेज को, इस टाइम पीरियड को, लाइनेज का मतलब हो गया कि हीमोसाइटोब्लास्ट से इरिथ्रोसाइट बनने के टाइम पीरियड को, ठीक है, टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रो लाइनेज, ठीक है, इरिथ्रोइड लाइनेज, इरिथ्रोइड लाइनेज, ठीक है। प्रोनाउंस करोगे भी नहीं तब बहुत जल्दी चीजें समझ में आएंगी और याद भी रहेंगी। अब कुछ समझ में आया इतना, ठीक है। आसिफ अली, आवाज आ रही है मेरी आपको? मोहम्मद आसिफ अली, ठीक है। अब आप बताएंगे मुझे कि डब्ल्यू बी सी जिसको हम व्हाइट ब्लड सेल के नाम से भी जानते हैं, ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं, या व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके क्या तीन नाम हैं डब्ल्यूबीसी के, व्हाइट ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट और व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल। ये तीनों नाम एक ही चीज को डिनोट करता है, डब्ल्यूबीसी। और जब आप लैब में टेस्ट करते हैं तो टीएलसी अगर कहीं लिखा हो तो भी बात डब्ल्यूबीसी की जा रही होती है, जिसमें टी होता है टोटल, ठीक है। और अगर डीएलसी लिखा हो तो भी बात डब्ल्यूबीसी की जा रही है, जहां डी का होता है डिफरेंशियल, क्योंकि डब्ल्यूबीसी में हमारे पांच सेल बनते हैं, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनो सॉरी स्नोफिल। मैं उस तरीके से लिख रहा हूं जो परसेंटेज डिफाइन करता है, सबसे बड़ा से छोटा परसेंट से छोटा परसेंट, ठीक है, ठीक ठीक है। न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, स्नोफिल, स्नोफिल, मोनोसाइट और बेसोफिल, ठीक है। स्नो मोनो कई जगह आगे पीछे होता है तो आप लोग देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होते हमारे ये पांच सेल ही हैं। तो अब इसमें अगर हम बात करें ल्यूकोसाइट के फॉर्मेशन की और ल्यूकोसाइट के डेवलपमेंट की, अगर मैं बोलूं कि इसके डेवलपमेंट और फॉर्मेशन की अगर बात करनी हो तो हम किस नाम से, किस टर्म से डिनोट करेंगे उस चीज को? आसिफ अली आंसर दें। ल्यूकोसाइटोब्लास्ट, सॉरी, ल्यूकोसाइटोब्लास्ट, ल्यूकोसाइटोब्लास्ट के नाम से हम इसको डिनोट करेंगे, इसकी फॉर्मेशन और डेवलपमेंट को। बेटा एक बार फिर सोचो, मैं उसके पूरे प्रोसीजर को डिफाइन करने की बात कर रहा हूं कि जब ये बनता है, जब ये डेवलप होता है, तो उस प्रोसेस को, उस प्रॉपर प्रोसेस को हम किस वर्ड, किस टर्म से डिनोट करते हैं? ल्यूकोहीमोटाइटिस। अच्छा, ये इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे आप ल्यूकोहीमोटाइटिस को? ल्यूकोहीमोटाइटिस को आप एक्सप्लेन करोगे? जी, सबसे पहले ये हमारे पास बनता है हीमोब्लास्ट, फिर इसके बाद से वो बनता है मोलोइड स्टेम सेल। आपने क्या बोला? ल्यूकोहीमोटाइटिस, यही वर्ड बोला था जे। तो इस वर्ड का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, टाइटिस का क्या मतलब होता है? अपने आप तो कोई वर्ड नहीं बना रहे, कहां से आपने पढ़ा? ये ल्यूकोहीमोटाइटिस कहां पढ़ा आपने वर्ड? इसलिए मैं बोलता हूं कि जब पढ़ रहे हो तो बोल के पढ़ो, या जब मैं पढ़ाता हूं तो साथ साथ में प्रोनाउंस करो चीजों को। सच में याद कहां होता है जल्दी? याद क्या करना है, समझ जाओ, याद अपने आप हो जाएगा।
दिन में 4 बार उस वर्ड का इस्तेमाल होगा तो अपने आप ही याद हो जाएगा। खाना खाना याद किया था क्या? पानी पीना याद किया था? बॉटल का ढक्कन खोलना याद किया था? पैंट पहनना याद किया था? क्यों? आसान क्यों होता है? क्योंकि डेली हो रहा है वो चीज। ऐसे ही पढ़ाई डेली होगी तो वो भी आसान हो जाएगी। चलो मुद्दे पे आते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना आज, क्लास बहुत लंबी नहीं करनी मुझे। तो WBC यानी हमारा व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड कार्पोसल या ल्यूकोसाइट की बात करें, हम हिमेटोपोइसिस, मैं हिमेटोपोइसिस जब पढ़ा रहा था तो मैंने किस वर्ड का ध्यान रखने के लिए बोला था कि आपको एक वर्ड इसमें याद करके रखना है दिमाग में पूरे चैप्टर में, वो क्या वर्ड था? मैंने यहां अंडरलाइन भी किया है, क्या वर्ड है वो? पोइसिस। तो अगर इसके डेवलपमेंट, और हिमेटोपोइसिस में क्या पढ़ रहे थे हम लोग, ब्लड सेल के कंपोनेंट्स के डेवलपमेंट और फॉर्मेशन की। तो ये ब्लड सेल ही तो है एक तरीके का, तो इसके डेवलपमेंट और फंक्शनिंग को पढ़ने के लिए हम क्या यूज करेंगे वर्ड? पॉइसेज ही तो यूज करेंगे। तो इसके नाम के अगर हम आगे पॉइसेज लगा दें तो ये क्या वर्ड बन जाएगा? ल्यूको पॉइसेस, यही बनेगा। हां जी आसिफ जी, यही बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ, और ल्यूकोपोइसिस के अंदर हमें क्या पढ़ना है? तो उसकी डेवलपमेंट और फॉर्मेशन के बारे में, किसकी डेवलपमेंट और किसकी फॉर्मेशन की बात की जाएगी अब यहाँ पे, तो न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, स्नोफिल, मोनोसाइट और बैसोफिल की। न्यूट्रो, लिम्फो, स्नो, मोनो और बैसो, शॉर्ट में बोलते हैं इसको न्यूट्रो, लिम्फो, स्नो, मोनो, बैसो। ये सेल्स हैं, इसके WBC के सेल्स हैं। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम इम्यून सेल्स भी कहते हैं, जो इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये एक आउट ऑफ द टॉपिक का पार्ट है, इसको अभी यहीं पे रोक देते हैं, इम्यून सेल्स वगैरह के पार्ट को। अभी हमें पढ़ना है इसके फॉर्मेशन वगैरह की। खाली एक बेसिक नॉलेज के लिए बीच बीच में चीजें मैं एक्स्ट्रा बताता रहूंगा आपको इसी तरीके से। तो ल्यूकोपोइसिस की अगर हम बात करें, ल्यूकोपोइसिस, तो अब आप मुझे बताएं कि ल्यूकोपोइसिस का सेल चार्ट कैसे बनेगा? ल्यूकोपोइसिस का सेल चार्ट कैसे बनेगा? आसिफ अली, मैंने बोला था आज की क्लास में जब आप लोग आएंगे तो सेल चार्ट, हिमेटोपोइसिस का सेल चार्ट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हिमेटोपोइसिस का सेल चार्ट है वो चार्ट ही बाकी सेल का बनने का तरीका, बाकी सेल को चलिए बनने का सबसे चीजें पहले बताता है। हिमेटोब्लास्ट बनेगा, सबसे पहले उसके बाद बनेगा हीमो साइटो ब्लास्ट, क्या बनेगा? सिस्टम चल स्टेम हीमोसाइटोब्लास्ट। सेल का नाम क्या होगा? सिस्टम चल मैं क्या बोल रहा हूं, तुम क्या बोल रहे हो? स्टेम सेल 3 पार्ट के होते हैं। अगर स्टेम सेल, इससे पहले RBC वाले में ध्यान नहीं दिया था तुमने, जो अंजलि अभी बता रही थी, जब मैं रिपीट कर रहा था तो मैंने क्या बोला था? हैं? लास्ट में आया था कल की क्लास तुम तो वो बात कर रहे हो कि सर मैंने तो पढ़ाई नहीं, कल भी तो मैं यही पढ़ा रहा हूं, परसों भी मैं यही पढ़ा रहा हूं, 5-6 दिन से मैं यही एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं। सेल क्या बताया तुमने? हीमोसाइटोब्लास्ट। और अगर सेल बोलना है, अगर स्टेम सेल ही बोलना है इसको, तो प्रो हीमोसाइटो स्टेम सेल, ठीक है? प्रो, प्रो लगाना है वर्ड के आगे, वर्ड के आगे प्रो लगाना है, प्रो हीमोसाइटो स्टेम सेल। अगर आपको स्टेम सेल ही बोलना है तो प्रो बोलना है उसके आगे। प्रो का मतलब होता है प्राइमरी फेज स्टेम सेल की। आप याद रखो हीमोसाइटोब्लास्ट से, नहीं तो स्टेम सेल में कंफ्यूज हो जाओगे। चलो हीमोसाइटोब्लास्ट के बाद क्या बनेगा? कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर या माइलोइड स्टेम सेल, ठीक है? उसके बाद मेलोब्लास्ट हाँ? उसके बाद सब मेलोब्लास्ट माइलो ब्लास्ट, अच्छा ब्लास्ट माइलो ब्लास्ट, ठीक है कोई नहीं, आगे बताओ। माइलो ब्लास्ट के बाद डिवाइड हो जाएगा कौन कौन से में? बैसोफिल, स्नोफिल, हाँ? इसके बाद
पार्टमेंट डिवाइड होगा, कौन कौन सा? बेसोफिल, हाँ मेसोफिल हाँ और ठीक है, तो ये तो ओवरव्यू था। अब इसकी डिटेल समझो, ठीक है। ये तो एक ओवरव्यू था कि जब हमने हिमेटोपोइसिस के अंदर डब्ल्यूबीसी का पढ़ा था। अब अगर कोई बात कर दे कि जी सिर्फ ल्यूकोपोइसिस की बात करते हैं, सिर्फ ल्यूकोपोइसिस की बात करेंगे, उसको बताएंगे, तो उसमें सबसे पहले क्या होगा, तो वो ध्यान रखने वाली बात है। यहां से मैं दोबारा चार्ट बना रहा हूं डब्ल्यूबीसी का। जो मैंने आपको चार्ट भेजा था ना सबसे पहले, वो सबसे इजीएस्ट चार्ट था। तो सबसे पहले हमारा बन रहा था हीमो साइटो ब्लास्ट, ठीक है, जिसको हम प्रो हीमो स्टेम सेल भी बोलते हैं। उसके बाद ये हीमो साइटो ब्लास्ट। अब देखो डब्ल्यूबीसी में आपको याद रखना है कि लिम्फोसाइट जो था वो दूसरे फेज का था, और जो न्यूट्रोफिल इसनोफिल था वो दूसरे फेज का था। तो यानी आपको दोनों फेज की बात करनी होगी इसमें, ठीक है। तो दोनों फेज की बात करनी होगी, तो कॉमन मायलोइड प्रोजेनिटर की भी बात करोगे और कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर की भी बात करोगे आप, ठीक है। जब भी डब्ल्यूबीसी के डेफिनेशन में आ जाता है तो आपका जो चार्ट है वो दोनों पार्ट में चलना शुरू हो जाएगा, कॉमन मायलोइड में भी और कॉमन लिम्फोइड में भी, ठीक है। तो कॉमन मायलोइड में फिर आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे जब आएंगे, या कॉमन लिम्फोइड में जब नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। तो पहले लिम्फोइड कवर कर लेते हैं, बहुत छोटा सा है। तो लिम्फोइड में जब हम बात कर लेते हैं, तो लिम्फोइड में आपका दो पार्ट में डिवाइड हो रहा था, जो क्या था, लार्ज ग्रेन्यूलो लिम्फोसाइट, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल किलिंग सेल ये भी बोलते हैं, और एक था स्मॉल लिम्फोसाइट, ठीक है। अभी विनीत रुक जाए, बीच में भी ना बोले, जब मैं पूछूंगा तभी बताएं, ठीक है। तो स्मॉल लिम्फोसाइट क्या था, स्मॉल लिम्फोसाइट आपका जो था वो आगे जाके क्या बना रहा था, विनीत अब बताओ, स्मॉल लिम्फोसाइट आगे जाके क्या बना रहा था, क्या बनाता है जी? तो टी लिम्फोसाइट बनाएगा, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, जिसे हम टी सेल्स और बी सेल्स के नाम से भी जानते हैं। फिर जो बी सेल है वो आगे प्लाज्मा सेल बनाता है, करेक्ट, ठीक है। तो आपके लिम्फोसाइट की फॉर्मेशन तो यहां आ गई, ठीक है, जो टी और बी की फॉर्म में थी। इतना ही आपको पढ़ना है। तो अगर आप बात करोगे डब्ल्यूबीसी की और उसके सेल चार्ट की, तो आपको क्या बताना है कि पहला बनेगा हीमोसाइटोब्लास्ट, उसके बाद वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक कॉमन मायलोइड प्रोजेनिटर, एक कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर। फिर वो कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर दो पार्ट में डिवाइड होगा, वो कहां जाएगा, तो एक जाएगा लार्ज ग्रेन्यूलो लिम्फोसाइट, जिसको हम नेचुरल किलिंग सेल भी बोलते हैं। दूसरा होगा स्मॉल लिम्फोसाइट, जो कि दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो ये दो पार्ट में ही आपको रुक जाना है, इसके आगे यानी इसको टी सेल और बी सेल भी बोलते हैं। बस ये लिम्फोसाइट का पार्ट डब्ल्यूबीसी में, लिम्फोसाइट के चार्ट में सिर्फ इतना ही पार्ट आएगा। इसके आगे प्लाज्मा बन रहा है कि नहीं बन रहा है वो नहीं बताना, ठीक है। फिर हम आ जाएंगे कॉमन मायलोइड प्रोजेनिटर पे। तो कॉमन मायलोइड प्रोजेनिटर में क्या बनेगा, तो ग्रेन्यूलो इसका बनेगा आपका ग्रेन्यूलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, ग्रेन्यूलो साइट, रिपीट करो विनीत, क्या बनेगा, ग्रेन्यूलो साइट मैक्रोफेज, ग्रेन्यूलो साइट मैक्रोफेज कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। अब इतना बड़ा वर्ड हो गया, ग्रेन्यूलो साइट मैक्रोफेज कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में कैसे याद रखोगे, तो ये इसको आप याद कर सकते हो प्रो